हेलो दोस्तों, आज है सप्तमी और अभी हम लोग चलेंगे कालीवान मंदिर पे। और टाइम हुआ है रात के 7:30, तो चलिए अब दर्शन करने चलते हैं कालीवान मंदिर पर और देखते हैं चल के वहाँ पे क्या रौनक है। और माता रानी दरबार में चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं चल के। चलिए रास्ते में बात करते हुए चलते हैं। कालीवान जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता सासी चौराहे से सीधा मार्केट होके ही है। और रात का टाइम है तो हम लोग 22 ख्वाजा वाली रोड ना जाकर मार्केट वाली रोड ही पकड़ेंगे, तो वो काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा हमको और टाइम भी बचेगा। और इसी बहाने आप में से जो लोग इटावा से दूर हैं वो कम से कम रात में मार्केट का कुछ सीन देख लेंगे, तो कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा बनता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूँ कि हाँ वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है 20-20 मिनट का, लेकिन जब इटावा को दिखा रहे हैं तो भाई रास्तों को भी दिखाना ज़रूरी है। और जब आप रास्तों को देखते हैं तो जो इटावा में रह रहे हैं उनको तो ये लगता है कि भाई हम तो रोज़ निकलते हैं यहाँ से, लेकिन जब आप सोचिए जब आप इटावा से दूर हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं दिल्ली में है कोई दूर और दूर है, जब वो देखते हैं रास्तों में तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब लोग कमेंट करते हैं कि भाई यादें ताज़ा हो गई हमारी, तो बड़ा अच्छा लगता है। आने वाला है पचरा, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई फूड के ब्लॉग डालिए, तो भाई अभी जरा टाइम भी काफी शॉर्टेज है और काफी बिजी हैं। जैसे ही फ्री होते हैं वैसे ही आपको इटावा के फूड से रिलेटेड भी काफी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेशन होते हैं जो आप देखना चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं कि आप देखें और नए आइडिया भी वहीं से मिलते हैं। तो ये आ गए हैं ठहराए पर। और काफ़ी अच्छा लगता है रास्ता शाम के टाइम, ठंडक काफ़ी अच्छी हो गई है इस वक्त, मतलब टी शर्ट में ही मज़ा आ रहा है चलाने में, लेकिन अगर और दूर जाएंगे इटावा से जब निकलते जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी। और आप पहुंचने वाले हैं कालीवान, बाइक अंदर ले जाने देंगे शायद, हम लोग अंदर ले चलेंगे बाइक, दुकानों की पोजीशन ऐसी कुछ है। सो कालीवान आ गए हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं वो है इसका मेन गेट, तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के माता रानी दर्शन करते हैं और भैरव बाबा भी यहाँ पर, तो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और कुछ बी रोल वीडियो शूट करेंगे तो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, नहीं जाने देंगे, जाने दे रहे हैं अंदर ही है, यानी यूट्यूबर है दादा, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने हैं। थैंक यू। तो भाई अंदर बाइक ले जाने दे रहे हैं, बताया है कि भाई वीडियो वगैरह बनाएंगे कुछ, तो चलिए बाकी में वहाँ खड़ी करते हैं चल के और इसके बाद
वापस जाना पड़ेगा हमें मेन गेट पर, इसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे वीडियो बनाना। लंगर बट रहा है यहाँ पर, आ गए यही लगाते हैं। ये और आज भीड़ थोड़ी कम है रोज के मुकाबले, क्योंकि आज सप्तमी है और कल अष्टमी होगी, इसके बाद नौमी, शायद कल और परसों बहुत ज़्यादा भीड़ हो। ये शायद आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये झंडे हैं और ये बहुत ज़्यादा हैं, कुछ झंडे ये हैं और अभी धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है, सफाई होती रहती है साथ साथ में। ये है शंकर जी का मंदिर, ये है महावीर जी का मंदिर यहीं पर, दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग कालीवान मंदिर से बाहर आ गए हैं और अभी चलेंगे भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो वो उनकी रास्ता जो है वो इस तरफ से है, तो चलिए भैरव जी के दर्शन करने चलते हैं। सीढ़ियाँ भी नई बनी हैं, पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी यहाँ से, पहले हम लोग जो राइट हैंड पर है वहाँ से जाया करते थे। Thank you.
दर्शन कर लिए हैं माता रानी के और भैरव बाबा के भी, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ से। तो अब चल रहे हैं वापस, बाहर चल के मिलते हैं आपसे। और अभी फाउंटेन चालू है यहाँ पर, तो काफी लोग रुकते हैं, फोटो लेते हैं यहाँ पर, एंजॉय करते हैं। और कल अष्टमी है, फिर नौमी है, तो परसों तक है ये प्रोग्राम यहाँ पर। परसों के बाद यहाँ पे एरिया काफ़ी कुछ शांत हो जाएगा और ये सारी दुकानें हट जाएंगी। काफ़ी कुछ है खाने पीने के लिए भी यहाँ पर। और पिंकू बाहर पहुँच गया है ध्रुव, तो चलिए गेट का कुछ नक्शा कुछ इस तरह से है, अभी लाइटिंग वाइटिंग लगा के काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बड़ा बन गया है गेट। चलिए बाहर से कुछ दिखाते हैं आपको, काफ़ी पुलिस है यहाँ पर, ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है अभी यहाँ पर। और ध्रुव को देखना है कहाँ पर है, वो रहा वहाँ पर। चलिए बाइक को लगाते हैं यहाँ पर पार्किंग में जरा सा। आप चल रहे हैं घर की तरफ और टाइम हो गए हैं पूरा 9:02। और हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है क्योंकि आज तारीख है 16 अक्टूबर, तो अब ठंडक होने लगी है यहाँ पर भी अपने ढाबा में भी। जो लोग इटावा से बाहर हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ठंडक काफ़ी अच्छी हो गई है शाम को। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम काफ़ी अच्छी ठंडक रहती है। अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं पे तो आपको एक हल्का सा जैकेट डालनी ही पड़ेगी। और वो है टिक्सी टेम्पल, आज वहाँ पे लाइट है और काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। तो आप देखिए टिक्सी टेम्पल और काफी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। अभी आपको जल्दी जल्दी कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे ही फ्री होता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो इस वजह से वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं। लेकिन हमने अभी बीच में 1.5 महीने के अंतराल में काफी वीडियो डाले और अब उन पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूं उसको, चाहे आप अच्छा उसमें लिखें चाहे बुरा लिखें। कैमरे को फेस करने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती हैं, धीमे धीमे हम लोग खुलते जाते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए और वो मिल रहा है। एक दो ही कमेंट कुछ आते हैं कि भाई आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। भाई क्योंकि मैं कभी लिख के नहीं, मेरी आदत है मैं कभी कोई नोट्स लिख के नहीं ले जाता किसी जगह जाता हूँ। मैं सिर्फ अपने माइंड में एक स्टोरी टाइप में एक बना लेता हूँ और वहाँ पर जाके जो उस वक्त याद होता है मैं एक्चुअल में वही बोल देता हूँ। तो मैं बार बार रीटेक भी नहीं लेता, मैं सिर्फ जाता हूँ उस जगह को जो वहाँ फील हो रहा होता है, जो भी याद होता है उस वक्त मैं बोल देता हूँ। बाद में वॉइस ओवर थोड़ा बहुत कर देता हूँ ताकि जानकारी पूरी की पूरी रहे, ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने का मतलब ही ख़त्म हो जाए। अभी पहुँच गए हैं कोतवाली, तो
रात में रेलिंग बहुत अच्छी लगती है, जब इन पे लाइट पड़ती है चमकती है, काफी अच्छा लगता है।